हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएडीएम राइडर 04 में। तो आप लोग खुश हैं, आपकी खुशी बढ़ाने के लिए हम फिर से लेके आ गए एक नया वीडियो नई बाइक के साथ में। आज जो बाइक हमारे पास खड़ी हुई हीरो की स्ट्रीम 125 ब्लैक कलर में खड़ी हुई है और इसी का जो है हम रिव्यू लेके आए हैं। मतलब इस बाइक को भी लॉन्च हुए कुछ वक्त हुए, लेकिन इसने मार्केट में जो है तहलका और बवाल मचा रखा है। मतलब कम प्राइस में ज़्यादा माइलेज के साथ में इस बाइक को जो लॉन्च किया हीरो वालों ने, बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि मार्केट में मतलब जो 100 सीसी की जो बाइक थी, अब शायद उससे ज़्यादा कहीं 125 सीसी की ये बाइक मिलेगी आपको मार्केट में देखने के लिए। मतलब थोड़ा सा प्राइस 100 सीसी से ज़्यादा है, लेकिन अच्छा प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इसका आगे का लुक। आप देख सकते हैं जो हमें लाइट देखने को मिल जाती है, DRL लाइट हमें देखने को मिल जाती है फुल। तो मैं एक बार चाबी ऑन करता हूँ, आपको इसकी जो है लाइट दिखाता हूँ। ये हमें जो है DRL लाइट के साथ देखने को मिल जाती है। जो बाइक मेन लाइट है, वो जो हम बाइक स्टार्ट करेंगे तभी हमारी जो लाइट जलेगी। तो एक बार मैं जो बाइक स्टार्ट करता हूँ, आप इसकी जो लाइट है, जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो हम मेन लाइट जलती है, बाकी चाबी ऑन करते हैं तो DRL लाइट हमें जलने लगती है। और ये जो इंडिकेटर दिया हुआ है, मतलब इसमें जो है सबसे मेन बात है, हमें हजार्ड लाइट भी दिया हुआ है। अगर बाइक जिसका काम जो रात में सबसे ज़्यादा सफ़र करने में हमें मतलब इसका लाभ मिलने वाला है यहीं पर। और बात करते हैं इसके जो है आगे का, आप देख सकते हैं इसकी जो डिस्क ब्रेक दी हुई है, मतलब इसकी डिस्क ब्रेक दी हुई है भाई काफ़ी हाई भी, और बल्कि यहाँ पे देखने को मिल जाती है 276 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। ये जो बाइक हमें जो है सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिल जाती है, डबल पिस्टन के साथ में है हमारी बाइक। आगे का जो मिरगार्ड वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, और आगे ये जो सस्पेंशन दिए हुए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो सस्पेंशन है वो शायद 125 जो है पल्सर से काफ़ी अच्छे इसमें दिए हुए, मतलब थोड़ा मोटे दिए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है आपको इसका इंजन के बारे में आपको बता देता हूं। इसका जो इंजन देखने को मिल जाता है 125 cc का एयर कोल्ड इंजन देखने को मिल जाता है वहीं पर। और बात करते हैं इसके जो है इंजन में, इंजन की अगर बात करते हैं मैक्स पावर की, इसका जो मैक्स पावर दिया हुआ 11.4 BHP यानी 8250 RPM पर जनरेट करता है। और वहीं मैक्स टार की बात करते हैं 10.5 Nm यानी 6000 RPM पर जनरेट करता है। और ये जो हमें बाइक देखने को मिल जाती है 6 गियर बॉक्स के साथ में, ये बाइक हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो है अगर 125 cc की बात करते हैं, इसमें जो है मतलब सेल्फ के साथ में हमें जो है किक भी देखने को मिल जाती है। इसका जो किक का अगर लुक दिया है, ये थोड़ा सा दिखने में हमें कम अच्छा लगता है। तो आपको ये कैसे किक जो है मतलब लुक देखने में लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा जरूर। ये जो बाइक हमें जो है स्प्लिट EBT के साथ में देखने को मिल जाती है, मतलब ये जो है अभी नया फ्यूचर दिया हुआ है, इस वजह से इस बाइक का जो मतलब लुक और परफॉर्म जो मिलने वाला है वो काफ़ी हाई भी और अच्छा मिलने वाला है वहीं पे। और वो बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट किसका, आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, बेहतरीन एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और पीछे के सस्पेंशन की बात करते हैं, तो हमें जो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है। और जो है पीछे का टायर की बात करते हैं, वहीं पर इसका जो टायर दिया हुआ काफ़ी हाई भी, और बल्कि यहाँ MRF का टायर हमें देखने को मिल जाता है 120/80/17 का टायर देखने को मिल जाता है। और इसका जो LI व्हील भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और पीछे जो हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और टायर हैगर की बात करते हैं, सिंगल साइड जो टायर हैगर हमें देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड से। और बाकी आप पीछे का लुक देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो लुक दिया हुआ है यहाँ पे, जो ग्रिपिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। अब जो हम चाबी ऑन करते हैं, पीछे की टेल लाइट आपको दिखा देते हैं इसकी। ये टेल लाइट आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन दी हुई है यहाँ पे। और पीछे आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ, और इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाते हैं। और वहीं बात करते हैं इसके पेट्रोल टैंक की, इसका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी हमें 10 लीटर की देखने को मिल जाती है। इसका जो माइलेज देखने को मिलता है वो 66 का हमें माइलेज देखने को मिल जाता है। यहाँ स्ट्रीम की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी और बेहतरीन यहाँ पे दी हुई। इसका जो हैंडल बार आपको दिखा देते हैं, इसका जो हैंडल बार दिखने में काफ़ी एट्रैक्टिव नज़र आता है। यहाँ पे हमें सारे के सारे स्विचेस यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लो बीम पास के लिए दिया हुआ है, और ये जो हमारा है राइट लेफ्ट इंडिकेटर लिए दिया हुआ है। ये हमें सिंगल हॉर्न के साथ में ये बाइक देखने को मिल जाती है। और ये हजार्ड लाइट के लिए स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं चाबी ऑन करता हूँ, एक बार जो है इसकी आपको आवाज़ सुना देता हूँ। मतलब सिंगल हॉर्न के साथ में इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी लाउड दी हुई है यहाँ पे, और ये हमें स्टार्ट के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं एक बार इसकी चाबी ऑन करता हूँ, तो इसकी आपको एक बार डिस्प्ले दिखा देता हूँ। इसकी जो डिस्प्ले देखिए, मतलब छोटी डिस्प्ले है, लेकिन काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है M का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे S का स्विच देखने को मिल जाता है। तो मैं अगर यहाँ से ट्रिप चेंज करूँगा तो यहाँ से ट्रिप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें ऊपर हमारा ट्रिप यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS, ODO, ट्रिप, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और बात करते हैं इसके जो है लेफ़्ट साइड में, आपको जो है लेफ्ट साइड में इसका दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस साइड में, आप देख सकते हैं इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर इसकी सीट हाइट की बात करते हैं, इसकी जो सीट हाइट है 794 mm है। तो मैं इस पर एक बार बैठ के दिखाता हूँ, मेरी जो हाइट है वो 5'8" है। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, जो मतलब इसका राइडर पोस्चर निकल जाता है वो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन नज़र आता है। मतलब मेरे जो पैर लगने वाले हैं बिल्कुल बराबर पैर लग रहे हैं, और इसका मतलब लुक देखने में जो है काफ़ी एट्रैक्टिव, काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है।
अगर ये बाइक आप परचेस करना चाहते हैं तो सुपर मोटर बालागंज आके यहाँ से ये बाइक परचेस कर सकते हैं। इसमें जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुपर मोटर बालागंज और ये लखनऊ, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से संपर्क करके आप यहाँ पे आके ये बाइक परचेस कर सकते हो। इसके जो ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं 1,18,000 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको इस तरह के नए वीडियो नई बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।